हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये माइक का तार है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत क्यों है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। तो कुछ एक जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स नाउएडेज इन ह्यूमन आल्सो, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टिलिटी के केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं नाउ डेज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो उन केस को इम्प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स, या फिर हम उनको बोल सकते हैं कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं ऑफ इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो प्रॉब्लम या रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं, इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल, कौन कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले ट्यूबल लाइगेशन, जिसको हम बोल देते हैं ट्यूबल लाइगेशन, तो ट्यूबल लाइगेशन जिसको हम बोल रहे हैं, ट्यूबल लाइगेशन में होगा क्या, सो ट्यूबल लाइगेशन, सबसे पहले हम बात कर रहे थे ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन मीन इसमें क्या होगा, इस डिजीज के अंदर ट्यूबल लाइगेशन में, इसमें जो ब्लॉक्ड ट्यूब, कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ब्लॉक्ड ट्यूब ऑफ, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब लिख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल केस के अंदर फैलोपियन ट्यूब इस केस में क्या रहेगी, ब्लॉक रहेगी, जिसके कारण प्रेगनेंसी की जो पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। सो सेकंड, आइडियोपैथिक सेकंड हो जाएगा हमारा आइडियोपैथिक इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, आइडियोपैथिक इनफर्टिलिटी के केस के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल फर्टिलिटी, मीन फर्टिलाइजेशन हो नहीं सका या एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है, या तो ओवरी अब्सेंस हो सकती है, अब्सेंस ऑफ ओवरी, या फिर ओवरी कैसे हो सकती है, नॉन फंक्शनल, या तो ओवरी हमें क्या मिलेगी, अब्सेंस मिलेगी इन केस ऑफ फीमेल, या फिर उसका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, नॉन फंक्शनल, मीन वो कोई भी फंक्शन नहीं करेगी, जो ओवरी प्रेजेंस होगी इन केस ऑफ फीमेल, देन इट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। कैसा फंक्शन, कि वो हर महीने एक ओवम को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, एग को प्रिपेयर कर रही है, तो ऐसा कोई फंक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, माल फंक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है, ओवरी का माल फंक्शन भी हम उसको बोल सकते हैं। अच्छा, माल फंक्शन ऑफ ओवरी में क्या होगा, अधेसिव ऑफ लेबिया सर्विक्स, ठीक है, जो सर्विक्स या लेबिया है वो क्या मिलेगा, चिपका हुआ मिलेगा, जिसके कारण ट्रांसफर
ऑफ ओवा, ओवा का ट्रांसफर नहीं हो पाता, सो इन केस ऑफ दीज जो फर्टिलाइजेशन है वो संभव नहीं है। इसके अलावा तो डिजीज और है, ल्यूकेरिया और गोनेरिया, ल्यूकेरिया और गोनेरिया, ठीक है, ल्यूकेरिया की स्पेलिंग शायद ठीक नहीं है, ल्यूकेरिया और गोनेरिया दो डिजीज हैं जिनके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो ऑल्सो इन केस ऑफ मेल, ये ऐसा मेल के केस में भी हो सकता है, मेल के केस में कौन से रहेंगे, डिजीज डिफरेंट रहेंगे, उनका नाम डिफरेंट होगा। तो फीमेल के केस में कौन कौन से हैं, जैसे ट्यूबल लाइगेशन हो गया, ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब, या आइडोपैथिक इनफर्टिलिटी, एबनॉर्मल फर्टिलिटी हो गई, ठीक है, एबसेंस ऑफ ओवरी, ओवरी की एबसेंस, या ओवरी कैसी है, नॉन फंक्शनल है, और इसके अलावा माल फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का माल फंक्शन जिसके अंदर क्या रहेगी, एडहेसिव ऑफ वाल ऑफ लेबिया, लेबिया की जो वाल्स हैं वो अधेसिव रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा गोनेरिया और ल्यूकेरिया दो डिजीज हैं जिनके कारण ऐसा हो सकता है। देन इन केस ऑफ मेल, मेल के केस में क्या होगा, सो इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, मेल के केस में कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट डिजीज आ जाएगा अजू स्पर्मिया, मीन जो सीमन होगा, सीमन के अंदर क्या रहेगा, अब्सेंस ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म की अब्सेंस रहेगी सीमन के अंदर। सेकंड ओलिगोस्पर्मिया, सेकंड डिजीज इन केस ऑफ मेल, सेकंड ओलिगोस्पर्मिया, लीस्ट काउंट ऑफ, ठीक है, स्पर्म का लिस्ट काउंट रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ सीमन, मतलब सीमन के अंदर लिस्ट काउंट ऑफ स्पर्म रहेगा। थर्ड डिजीज, थर्ड जो डिजीज है उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड अबाउट सीमन, और थर्ड डिजीज जो हो जाएगा वो होगा एब्सोल्यूट इम्पोटेंसी, एब्सोल्यूट इम्पोटेंसी, एब्सोल्यूट इम्पोटेंसी, एब्सोल्यूट इम्पोटेंसी मीन एब्सेंस ऑफ पेनिस, ठीक है, इन केस ऑफ मेल पेनिस की एब्सेंस रहेगी। फोर्थ, फोर्थ आ जाएगा क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म मीन जो टेस्टिस है कैन नॉट डिसेंड इन स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक में टेस्टिस नहीं आएंगे, तो ये भी एक फेलियर ही रहेगा। फिफ्थ, इलोंगेटेड प्रीप्यूस, पीनिस के ऊपर जो फ्री स्किन होती है उसको बोलते हैं प्रीप्यूस, ठीक है, जो फ्री रहेगा उसको इलोंगेटेड प्रीप्यूस, तो इस डिजीज का भी एक नाम है इलोंगेटेड प्रीप्यूस, मीन इसको हम बोल सकते हैं फिमोसिस, ठीक है, इलोंगेटेड प्रीप्यूस मीन फिमोसिस। तो ये क्या रहेंगे, ह्यूमन केस के अंदर, मेल के अंदर कुछ एक डिजीज हैं जिनके हमने नाम बताए हैं, और कुछ फीमेल के अंदर, तो इनके कारण क्या होगा, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होगी, असंभव है, जिसको हम बोल देते हैं कि हो नहीं पाएगी, डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट है मीन जो फर्टिलिटी इम्पॉसिबल, तो उस फर्टिलिटी को पॉसिबल करवाने के लिए कुछ एक टेक्निक अपनाई गई। सो इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन और एनिमल, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल के अंदर ये केस है जो मेल एंड फीमेल के इनफर्टिलिटी के, ड्यू टू इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है, बोथ के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है, तो इनके कारण
ठीक है, इनको इंप्रूव करने के लिए, फॉर इंप्रूव देयर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, इंप्रूव देयर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, इनकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम कैसे इंप्रूव हो सकती है, उसके लिए क्या किया गया कि इनकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम दूर हो जाए, जिसके कारण क्या करेंगे, कोई बेबी को पैदा कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन बॉर्न अ चाइल्ड, ठीक है, ये भी एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं जिनके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बांझपन बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, सो उसके लिए एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके अंडर जो IVF टेक्निक आती है, ART, जिसको हम क्या बोलते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को अपनाया गया, जिसके थ्रू हम क्या रीड करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम किस चीज को रीड करेंगे, IVF को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, सबसे पहले हम इसको समझेंगे ये है क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है क्या और कैसे होती है, पूरी की पूरी प्रोसेस को हम सबसे पहले समझेंगे, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा, कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है जो IVF है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक आता है वो प्रॉफिट लॉस के बारे में आता है, कि उसके प्रॉफिट क्या हैं और लॉस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम अब डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। जो IVF है वो 1978 में फर्स्टली सक्सेसफुली डिस्कवर हुई थी, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्टली सक्सेसफुली डिस्कवर हुई थी, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, तो उसके दौरान एक बेबी गर्ल चाइल्ड बर्थ हुआ था उस टाइम, ठीक है, गर्ल चाइल्ड कैसी थी, बेबी गर्ल थी, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे टॉपिक में है ये, तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो IVF जो टेक्निक है, इसके 5 स्टेप हैं, IVF टेक्निक के कौन कौन से स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा रिकवरी ऑफ ओसाइट, फर्स्ट रिकवरी ऑफ ओसाइट, एग की रिकवरी करना, ठीक है, सेकंड रिकवरी ऑफ ओसाइट, एंड सेकंड आ जाएगा हमारा कलेक्शन ऑफ स्पर्म, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, थर्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, IVF। तो यहां तक के जो स्टेप हैं वो हो जाएगा हमारा IVF, ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप होगा जिसको हम बोल देते हैं इन विट्रो डेवलपमेंट, फोर्थ इन विट्रो डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम डिस्कस करते हैं, रिकवरी ऑफ ओसाइट, ओसाइट की रिकवरी कैसे होगी, सो ओसाइट की रिकवरी कैसे होगी, ओसाइट है मीन कलेक्शन ऑफ ओसाइट्स फ्रॉम फीमेल,
जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्शंस ऑफ ओसाइट्स फ्रॉम फीमेल। ठीक है, फीमेल से क्या करना है, कलेक्शन ऑफ ओसाइट, ओसाइट की क्या करनी है, कलेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, कि एक फर्टिलाइजेशन टेक्निक है, इसको नॉर्मली एक नॉर्मली तरीके से देख के चलो कि फीमेल से क्या आएगा, फीमेल से क्या आएगा, एग, मेल से स्पर्म, ये भी हमें अभी कलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एंड देन एम्ब्रियो बनेगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा हमारे पास, जाइगोट, और उसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर। कुछ ऐसी टेक्निक है हमारे पास। तो सबसे पहले जो स्टेप है, फीमेल का स्टेप है कि उसे ओसाइट का कलेक्शन करना है, तो रिकवरी ऑफ ओसाइट बोलते हैं जिसको, कलेक्शन ऑफ ओसाइट फ्रॉम फीमेल। फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट ओसाइट्स, ठीक है, या एग्स हम कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग ओसाइट फ्रॉम द फीमेल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सुपीरियर फीमेल, एक सुपीरियर फीमेल से ओसाइट को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुपीरियर फीमेल, या फिर ऐसी फीमेल विच कैनॉट प्रोड्यूस ए बेबी बट आर एबल टू प्रोड्यूस ओसाइट। ठीक है, जिसकी ओवरीज अच्छे काम कर रही हैं, अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, बट द फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी बेबी, कोई बेबी को प्रोड्यूस करने के एबल नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरे, फॉर एग्जांपल लाइगेशन, जिसको ट्यूबल लाइगेशन बोल सकते हैं, वो डिजीज हो सकता है। मीन ओवरी तो अच्छे तरीके से काम कर रही है, बट द फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ बर्थ अ बेबी, या प्रोड्यूस अ बेबी, एक बेबी को प्रोड्यूस करने के एबल नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में उस फीमेल की ओवरी से कलेक्ट कर ली जाता है क्या चीज, ओसाइट, ओसाइट को कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसके अंदर भी क्या चीज हमें देखने को मिलेगा, कि 28 डेज के अंदर सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करती है ओवरी, ओवरी ओनली सिंगल एग प्रोड्यूस करेगी इन 28 डेज। ठीक है, और वो कब प्रोड्यूस करेगी, उसके लिए बीबीटी मीन जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, बेसल बॉडी टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी काम करेगी, बेसल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी काम करेगी। अब जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या बताएगा, बेसल बॉडी का टेम्परेचर अगर अप डाउन हो रहा है, मीन एग प्रोड्यूस करने की सिचुएशन आ गई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही जो हार्मोन लेवल है, हार्मोनल लेवल है, उसका भी अप डाउन होगा, हार्मोनल लेवल का भी अप डाउन होगा। कौन कौन से हार्मोनल होंगे, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इस तरीके से जब हार्मोन का लेवल अप डाउन होगा, तो उसी से पता लग जाएगा कि क्या प्रोड्यूस होने वाला है, रिलीज या प्रोड्यूस होने वाला कौन है, जो एग है, फीमेल एग है। सो अब एक एग से हम ये निर्धारित नहीं कर सकते, या हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एग प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, वो पूरी की पूरी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में काम कर लेगा। सो हमारे पास सिर्फ चांसेस क्या होता है, एक होता है, क्योंकि एग कितना प्रोड्यूस हुआ है, वन सिंगल एग कैन गिव वन सिंगल चांस। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास एग का कलेक्शन ज़्यादा हो, इफ फीमेल एग्स आर मोर इन नंबर, सो चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर, तो सर्वाइवल के चांसेस मोर होंगे, फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, IVF के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो इसके लिए क्या किया जाता है, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, हार्मोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है फीमेल को, ठीक है, जो क्या करती है,
हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है एक फीमेल को, जो क्या करती है, जो इनका एग प्रोड्यूसिंग पावर है उनकी 3x कर देती है। मीन वन टाइम पे एक फीमेल 3 to 6 बोल सकते हैं, जिसको हम 3 to 6 एग प्रोड्यूस करेगी। तो इनकी जो IVF टेक्निक की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज कर दी। मीन इन्होंने क्या कर दिया, हमारा जो चांसेस है वो क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिया। हमारा जो चांसेस है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब एग को रिकवर कैसे करेंगे, अब इतने टेक्निक के थ्रू हमने कर तो दिया, एग को बढ़ा दिया, ठीक है, ओवरी से एग को कलेक्ट कर रहे हैं, वो ओवरी से एग को हम कलेक्ट कर कैसे रहे हैं, कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम एग को कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं हम मेथड। फर्स्ट मेथड आता है इसमें सोनोग्राफिक एग रिकवरी, ठीक है। तो इसमें एग रिट्राइव होगा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प से, अल्ट्रासाउंड से पता लगा लेंगे कि एग प्रोड्यूस होने वाला है या नहीं। तो सोनोग्राफिक मेथड ऑफ रिकवरी, सोनोग्राफिक एग रिकवरी बोल देते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है, लेप्रोस्कोपिक एग रिकवरी, लेप्रोस्कोपिक एग रिकवरी। तो ये स्टेप किसकी हेल्प से होगा, लेप्रोस्कोप इसकी हेल्प से होगा। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल इंसिजन INCISION, स्मॉल इंसिजन, उसकी हेल्प से जो ऑपरेशनल मेथड है उससे ही क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी किसकी, एग्स की रिकवरी हो जाएगी फीमेल के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, जो नुकसान है वो हार्म टू ओवरी लेस रहेगा, लेस हार्म टू ओवरी, ओवरी को लेस हार्म करेंगे और अच्छे से क्या हो जाएगा, रिट्राइव कर लेंगे ये किसको, एग्स को रिट्राइव कर लेंगे थ्रू दी हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप, लेप्रोस्कोप की हेल्प से रिट्राइव कर लेंगे। और इसके अलावा जो मेथड है मैंने बता दिए कि एग्स को इंक्रीज कर रहे हैं पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्स की जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी है वो कितनी कर सकते हैं, 3 to 15 इन केस ऑफ फीमेल, कैसे कैसे, कौन कौन से हार्मोन बढ़ा के FSH एंड LH को इंक्रीज करवा के हम कर सकते हैं, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था रिकवरी ऑफ ओसाइट। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, जो हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा, कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, सीमेन कलेक्टेड 60 to 90 मिनट बिफोर IVF, मीन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से 60 या 90 मिनट पहले ही सीमेन का कलेक्शन किया जाता है। एंड देन स्पर्म्स आर वास ट्वाइस एंड सेंट्रीफ्यूज टू फॉर्म स्पर्म पैलेट, स्पर्म को वास किया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है स्पर्म पैलेट की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो स्पर्म पैलेट के अंदर जो स्पर्म आते हैं ना वो सबसे एक्टिव स्पर्म होते हैं। तो स्पर्म पैलेट सस्पेंडेड इन कल्चर मीडियम, जो स्पर्म पैलेट है उसको कल्चर मीडियम के अंदर सस्पेंडेड कर दिया जाता है, इनक्यूबेट कर दिया जाता है 30 to 60 मिनट के लिए एट 37 degrees Celsius की टेम्परेचर के ऊपर। एंड फोर्थ में एक सैंपल है जो स्पर्मेटोजोआ, जो एक्टिव पैलेट थी उसको लिया जाता है टू फॉर्म सरफेस ऑफ मीडियम, मीडियम के सरफेस से इट हैज़ मोस्ट एक्टिव स्पर्म, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पैलेट के अंदर ऊपर ऊपर स्पर्म आएंगे वो सबसे एक्टिव स्पर्म होते हैं, क्योंकि लाइट स्पर्म होते हैं, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एंड थर्ड स्टेप है, तो फ्रॉम मेल्स की कनेक्शन के अंदर, मेल से कलेक्शन थी सिर्फ इतनी ही थी, ठीक है, कि स्पर्म को कैसे कलेक्ट करना है, टू टाइम पे वॉश करना है, सबसे पहले 60 to 90 मिनट बिफोर IVF उसको कलेक्ट करना है, टू टाइम वॉश करना है, एंड देन सेंट्रीफ्यूज करना है, और सेंट्रीफ्यूज के बाद उसके ऊपर जो पैलेट बनेगी ही वो पैलेट के अंदर ही सबसे एक्टिव स्पर्म होंगे, वो आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन फर्टिलाइजेशन तो होगी बट कैसी होगी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के आउटसाइड होगी फर्टिलाइजेशन, कहाँ होगी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन अ कल्चर मीडियम, इन अ कल्चर मीडियम। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, कल्चर ऑफ ऊसाइट, ऊसाइट का कल्चर किया जाता है, ठीक है, ऊसाइट को कल्चर किया जाता है, कल्चर ऑफ ऊसाइट, ऊसाइट इनक्यूबेट फॉर 5 to 10 hours, जब तक वो एग में कन्वर्ट नहीं हो जाता उसको अर्ल्स मीडियम, इस मीडियम का नाम है अर्ल्स मीडियम, इसके अंदर इसको इनक्यूबेट किया जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, जो ऊसाइट है वो पूरा का पूरा किसके अंदर, एग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऊसाइट किस में कन्वर्ट हो गया, एग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, द ऊसाइट विल कन्वर्टेड इनटू एग, ठीक है, ओवा, जिसके अंदर ऊसाइट क्या बन जाएगा, एक मैच्योर ओवा, एग को हम क्या बोल देते हैं, मैच्योर ओवा। अब क्या होगा, जो सेकंड स्टेप होगा आईवीएफ का, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊसाइट को मैच्योर करने के लिए उसको एक अल्स मीडियम या T6 मीडियम भी हम इसको बोल देते हैं, उसके अंदर उसको पुट किया जा सकता है, देन एक्टिव स्पर्म्स उसके अंदर पुट किए जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्टिव स्पर्म्स पुट किए जाएंगे, एक्टिव स्पर्म कितने होंगे, कितने से कितना डाल सकते हैं, 10,000 से 80,000 तक स्पर्म इसके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है, मैच्योर ओवा बन गया है, अब इसके अंदर 10,000 से 80,000 तक एक्टिव स्पर्म डाले जाएंगे, कितना होगा ml के हिसाब से देखें तो 10 माइक्रो ml टू 1 ml तक का जो सीमेन सॉल्यूशन है उसको डाला जाएगा, पैलेट सॉल्यूशन उसको डाल दिया जाता है, तो इसके अंदर से जो स्पर्म होगा वो क्या करेगा, एग के पास जाएगा, एंड देन कौन सी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो चुकी है इन विट्रो मीडियम में, तो जो एग होगा, एग फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनाता है, एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव अ जाइगोट, क्या देगा, एक जाइगोट देगा, जो जाइगोट होगा, जाइगोट की फॉर्म में एग होगा, उसके पास क्या होंगे, प्रो न्यूक्लियाई एंड दो पोलर बॉडी होंगी, ठीक है, उसके पास क्या होगा, दो प्रो न्यूक्लियाई और दो पोलर बॉडी होंगी, पोलर बॉडीज होंगी, ठीक है, जाइगोट के पास क्या होगा, दो प्रो न्यूक्लियाई और दो पोलर बॉडीज होंगी, सो दिस जाइगोट इज चूज, इस जाइगोट को क्या कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है और उसको फर्दर डेवलप करवाया, अब ये चला गया फर्दर डेवलपमेंट स्टेज के लिए, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इन विट्रो डेवलपमेंट, अब आईवीएफ प्रोसेस हैज बीन डन, ठीक है, देन आफ्टर 30 आवर ऑफ आईवीएफ द जाइगोट फॉर्म टू सेल की स्टेज बनी, एंड अबाउट 40 आवर इट गिव 4 cell stage। अभी तक जो जाइगोट है वो इन विट्रो मीन किसमें है, अल्स मीडियम, मीडियम के अंदर ही है, डेवलप हो रहा है, अबाउट टू 60 आवर इट गिव 8 cell stage, ठीक है, अब जितना देर तक इट्स लूज इट्स सर्वाइवल चांस,
द एग लूज इट्स सर्वाइवल चांस फॉर हाउ मच टाइम इट लिव इन मीडियम. मीडियम के अंदर ये कितना टाइम तक रह रहा है उतना ही उसका सर्वाइवल चांस क्या हो रहा है, कम हो रहा है. जितनी स्टेज इसकी मल्टीप्लाई करते जा रही है उसका इसका सर्वाइवल टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो इन स्टेज के फोर टू एट सेल स्टेज है, इस स्टेज के ही अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, लगभग 8 सेल स्टेज के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो डेवलपमेंट इसकी यहाँ तक ही की जाती है, 8 सेल स्टेज तक या 4 सेल स्टेज तक. अब देखना कब है कि उसको डेवलप ट्रांसफर कब किया जाए फीमेल के अंदर, अब कैसे ट्रांसफर करना है. अब आती है हमारी ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर. व्हाट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. सो जो फर्स्ट स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर का वो रहेगा इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो डेवलप इन विट्रो ऑन द एंडोमेट्रियम यूटेरस ऑफ वुड बी मदर. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन. सो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन है जब एक फीमेल रेडी होती है इसके लिए तो उसके अंदर एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है. तो इसके लिए टू टाइप है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के टू टाइप हैं. कौन कौन से, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. सबसे फर्स्ट है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. मीन जो जाइगोट है वो कितनी स्टेज सेल स्टेज का रहेगा, 8 सेल स्टेज का रहेगा. ठीक है, 8 सेल स्टेज तक करेगा. टिल 8 सेल स्टेज इट ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल. फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है जैसा कि ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. तो उसकी 8 सेल स्टेज जो एम्ब्रियो की है वो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है. इसको बोलते हैं हम जिफ्ट. इसके अलावा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, INTRA, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. अब इसके अंदर क्या होगा, जो सेल की स्टेज होगी मोर देन 8 होगी, 8 to 32 सेल स्टेज होगी. ठीक है, 8 to 32 सेल स्टेज हो. जो 32 सेल स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर. दिस ब्लास्टोमर विल बी ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल यूटेरस. यहाँ पे फीमेल यूटेरस, यूटेराइन कैविटी बोल सकते हैं, यूटेरस बोल सकते हैं या वोम बोल सकते हैं. ठीक है, उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो क्या करता है, फर्दर डेवलपमेंट करेगा. तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. तो ये दोनों तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल मेथड. ठीक है, एक विदाउट ऑपरेशनल मेथड है. जो विदाउट ऑपरेशनल मेथड है, विदाउट ऑपरेशनल मेथड कौन कौन से हैं. एक ही मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, सर्विक्स. ठीक है, थ्रू वेजिनल पोर, जिसको बोल सकते हैं थ्रू द सर्विक्स या थ्रू वेजिनल पोर, उसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, जो कल्चर मीडियम के साथ जो एम्ब्रियो है. ठीक है, कल्चर मीडियम के साथ जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो विद द कल्चर मीडियम, उसको टेफ्लोन कैचर इसकी हेल्प से वोम के अंदर या यूटेराइन कैविटी के अंदर एंट्री करवा दी जाती है. उसकी यूटेराइन कैविटी या यूटेरस के अंदर उसकी एंट्री करवा दी जाती है, जहां पे वो फर्दर डेवलपमेंट करता है एज अ बेबी. जब तक टिल बर्थ, क्या बोल सकते हैं, टिल बर्थ.
बर्थ तक वो क्या करता है, फर्दर डेवलपमेंट करता है एज अ बेबी। जब तक बेबी पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता, उसकी बर्थ नहीं हो जाती, तब तक वो क्या करता है वहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है। उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। सो उस डेवलपमेंट के दौरान ये चांसेस रहते हैं उसके 20%, जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसके 20% चांसेस रहते हैं टू सर्वाइव, ठीक है, कि वो अच्छे से इम्प्लांटेशन हो गई है या नहीं। इम्प्लांटेशन के लिए 20% चांसेस रहते हैं। तो इन चांसेस को इंक्रीज करने के लिए, इन चांसेस को इंक्रीज करने के लिए मेडिसिनल या हार्मोनल मेडिसिन जो साथ साथ लेनी पड़ती है एक फीमेल को, ठीक है, मेडिसिन ली जाती है, हार्मोन दिया जाता है, तो वो क्या करे, उसको बैलेंस करके रखे जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती टिल बर्थ तक ऐसा उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जो प्रॉफिट हैं और लॉस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो है आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमें बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा।